सो हे गाइस, मैंने अपडेट कर लिया है माइनक्राफ्ट को अपनी 1.19 के लेटेस्ट अपडेट में, और अब आने वाली है तबाही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसी 1.19 के लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक न्यू सीड, और ये सीड इतना ज्यादा खतरनाक है कि क्या ही आपको बताऊँ। कि गॉड भी देखेंगे तो वह भी बोलेंगे क्या बात। और मुझे पता है आप लोग चैनल पे नए हैं, बट सब्सक्राइब मत कीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपके बच्चे यही गेम खेलने वाले हैं और इसी वीडियो को देखने वाले हैं, सो उनसे मैं लाइक एंड सब्सक्राइब करवाऊंगा। मजाक कर रहा है। सो यदि आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे ये गेम ना खेले, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो चलो गाइस, छोड़ो ये सभी फालतू के बाटे, चलो टॉपिक पर आते हैं और आपको दिखाते हैं इस सीड को। एंड इस सीड का कोड आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट एंड इस वीडियो में भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मुझे पता है आप लोग कहाँ जाएंगे। सो गाइस, हम आ गए हैं माइनक्राफ्ट में, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीड काफी ज्यादा बड़ा है, सो आप भूल जाएंगे, याद मत करना एंड इसे कहीं नोट कर लेना। तो प्ले करते हैं और आपको दिखाते हैं, एंड बिल्कुल भी क्लिप पर काटेंगे नहीं। और यहाँ मैं स्पॉन हुआ हूँ एंड जस्ट पीछे आपको देखना है, एंड पीछे साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विलेज देखने के लिए मिलेगा, एंड ये विलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड इसी में है खजाना। और वैसे ये विलेज आपको जितना ज़्यादा नॉर्मल लग रहा होगा उतना ज़्यादा नॉर्मल है नहीं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक ब्लैक स्मिथ यहाँ पर है एंड आके तीन आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर एक है और दो यहाँ पर पास में ही है, सो टोटल चार ब्लैक स्मिथ आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि एक ही विलेज में टोटल चार चार ब्लैक स्मिथ है, तो माला माल हो जाएंगे आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो अब हम चलते हैं पहले ब्लैक स्मिथ के पास और देखते हैं कि क्या हमें इसमें लूट मिलती है। सो पहले तो परमिशन ले लेते हैं भाई साहब, थोड़ा सा चोरी कर लीजिएगा तो घर में नहीं। ओह नो, कोई बात नहीं गाइस, चलता रहता है। सो आपको दिखा देते हैं, देखिए मैंने तोड़ा एंड इसे जलन हो गया। सो आपको बस दिखाएंगे अंदर कि आखिर इन सभी में क्या क्या लूट आपको देखने के लिए मिलती है और कहाँ पे है चेस्ट। सो ये रहा, सो इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या हमें मिलता है। सो आप देख सकते हैं गाइस, चार आयरन एंड दो गोल्ड आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। ये तो हो गई पहली की बात, यानी कि इसमें भी आपको बहुत अच्छा लूट मिल जा रहा है। अब चलते हैं, तीन आपको वहाँ पास में देखने के लिए मिलते हैं, सो यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर गोलम भी एक है, सो यहाँ से भी आप चार आयरन कलेक्ट कर सकते हैं। और इधर चलते हैं और इस वाले में चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हमें क्या अच्छी लूट मिल जाती है। और इसमें भी मुझे जहाँ तक पता है कि अच्छी लूट मिल जाएगी, बस डायमंड हो जाता तो और अच्छा होता, बट नहीं है। एक स्वॉर्ड आयरन का देखने के लिए मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो आप ये दूसरा भी आपने देख लिया, अब चलते हैं तीसरे में और इसमें आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें क्या मिल जाता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीड है और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। एंड इस भाई साहब के पास आ गया एंड इससे परमिशन लेते लेते हैं कि क्या ये आइटम हमें देने देंगे। सो ये हाँ कर रहे हैं, यानी कि हम इनके आइटम ले सकते हैं, बट हम चोर नहीं हैं, हम नहीं लेंगे इनके आइटम। और अंदर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या मिल जाता है। एंड इसमें डायमंड मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, बट नहीं मिला। आयरन सभी में देखने के लिए मिल जा रहे हैं, यानी कि आयरन को आपको बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होगी इस वर्ल्ड में, आपको बहुत ज़्यादा आयरन मिलने वाला है। और भाई साहब, मैंने आपका कुछ नहीं चुराया है एंड गुड बाय। सो अब चलते हैं दूसरे एंड लास्ट, सो ये है और इसमें देखते हैं कि हमें क्या लूट मिल जाती है। और इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर ये भाई साहब हैं एंड ये तो डर के वजह से ही भाग गए। एंड ये क्या, ये तो मुझे एक सबसे बेकार लूट इसमें देखने के लिए मिला। इसमें कुछ ऑब्सीडियन थे, बट क्या फ़ायदा उसका। एंड भाई साहब, ए भाई साहब इधर ताकिए, और क्या गुंडा बनेगा रे तू। हाँ कुछ तो धरा ही नहीं है, कम से कम एक गोल्ड धर लेता। बाकी गाइस, ये चार ब्लैक स्मिथ देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें और भी सीक्रेट हैं जो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट गेम ही ऐसा है कि जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यदि एक्सप्लोर किया हुआ मैं ही आपको बता दूंगा तो यह वर्ल्ड आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आपको खुद से एक्सप्लोर करना है एंड ढूंढना है कि इसमें आखिर क्या क्या है। एंड मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल में काम आने वाले हैं। सो चलो गाइस, ये वाली वीडियो बस इतनी थी। यदि ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। एंड कंट्रोल थोड़ा आपको मुझे गड़बड़ लग रहा होगा क्योंकि मैं इस कंट्रोल से अब नहीं खेलता हूँ, एंड ये मैंने
आपके लिए इंस्टॉल किया, इसलिए थोड़ा कंट्रोल गड़बड़ है। सो चलो गाइस ये वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।